on being associated with the Navratri Utsav. And regarding your dance, your choreography skills, which would be, you know, kind of useful to you in this participation? Yeah, I love to dance. And of course, the rock, you know, salva karte hain, nachya karte hain, uske sikhne wahan pe point hota hai. Aur masti kaafi hoti hai. So of course, dance mein agar masti na ho, to uska koi maza hi nahi hoga. And Navratri mein, of course, bachpan ki kaafi yaadein hain, kyunki main Pune mein rehti thi. और मम्मी की साड़ियाँ निकाल निकाल के कहें वो भी गुजराती स्टाइल और चूड़ियाँ खरीदती है ऑल दैट तो मेमोरीज आर ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स विद मैजिका इज अ ब्यूटीफुल एसोसिएशन मैंने इस साल का 25 इयर्स सेलिब्रेट शुरू किया था बाय परफॉर्मिंग एट द म्यूजियम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई एम गोइंग टू दुबई एंड अबू धाबी बोथ मेरी फैमिली भी वहाँ पर है इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो अगर मैं उन सबके साथ अफ्रीका मेंबर्स के साथ आपकी मैं ये बताऊंगी तो आई रियली एंजॉय इट्स रेडी कंटिन्यू एक्सटेंड योर ब्रांच ऑफ आवर हैव यू सेड विच ह्यूमन विल परफॉर्म इन दिस सीट एंड सेकंड हैव डिमांडेड आई विल परफॉर्म सो इन सोसाइटी और यू डिसाइड अमर अस वी डिसाइड बट दैट विल टेक इट अबाउट द काइंड ऑफ Hello, yeah. There's only one saying I formally believe in. You know, either you lead, or you follow, or you get out of the way. I believe in leading, and we are led by example. We have started the whole concept, and today, I mean, if you see anywhere in the country or in the world, there's only one name. There's a country. Can you think about another second name? Thank you. Thank you. Thank you. बहुत गहरा सवाल अच्छे है कि बहुत गंभीर प्रोजेक्ट की और डाटिया खेलने की आपने तैयारी की है इस साल कंट्री क्लब के दो वेन्यूज के मैं जा रही हूँ दुबई एंड अबू धाबी और थैंक फॉर द कॉम्प्लीमेंट और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इवेंट्स कंट्री क्लब ऑर्गेनाइज करती है वो अपने मेंबर्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द न्यू ईयर लीग मुझे पता है Mumbai itself, we had almost 20,000 people attending that. So, baaki ka to mujhe pata nahi. Lekin mujhe pata hai ki country club is solely for the members and their entertainment. So, Rishi, the rock festival is taking the dance, music and sound. Can the big sound system sahi rahegi? Yeah, I'm sure I'm sorry to that. I apologize for whatever the inconvenience you had today. लग गई
बचपन में ऐसा सुना करते थे कि गरबा नाइट में आपको प्यार मिल जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन आप शो कि प्यार मिलने वाला होता है तो आपको लेकिन आप जाइए, नवरात्रि मनाइए, खुश रहिए, मस्ती कीजिए, सेफ रहिए। लड़कियों को कहूंगी कि अपने मेल पार्टनर्स के साथ, भाइयों के साथ, फैमिली के साथ जाया करिए। और जा रहे हैं तो सही समय पे घर भी वापस आ जाइए, लड़कियों के लिए खास तौर पे। और नहीं, एक्चुअली मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ सर, कैसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, थोड़ा नीचे चलेंगे, फेस थोड़ा घूम दिखा रहा है यार। सॉरी, आपने सवाल कर रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्राउड के साथ इंटरेक्ट करने जा रही हूँ और मेरे साथ बहुत मजा करने जा रही हूँ। सो विल बी अ लॉट ऑफ फन टू वॉच पीपल डांस एंड ऑफ कोर्स उनके साथ मैं भी थोड़ा बहुत नाचूंगी जरूर, बट उसके लिए कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं। मैं कंट्री क्लब के दुबई एंड अबू धाबी दोनों क्लब्स में जा रही हूँ, वेन्यूज में जा रही हूँ और आई एम श्योर वी हैव अ लॉट ऑफ फन। वेल, ऐसा मैंने तो सुना हुआ है लेकिन मुझे मेरा लाइफ पार्टनर बिल्कुल ही गरबा या डांडिया खेलते हुए नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फेस्टिवल औरतों का फेस्टिवल है, क्योंकि हमेशा काम करती हुई औरतें या फिर ऑफिस जाती हुई औरतों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया मिल जाता है, डांस का, जिन जिन औरतों को शौक है वो डांस करने का मौका मिल जाता है। मेरी मॉम एक बहुत ही अच्छी गरबा डांसर है और उनको, वो मुलुंड में रहती थी तब, तो वो कहती थी कि हमारे लिए 9 दिन मतलब हमारी लाइफ के, हमारे उस साल के सबसे बेहतरीन 9 दिन होते हैं। तो मैंने बहुत बचपन से लोगों को, अभी तो 10 या 11 बजे का यू नो टाइम लिमिट हो गया, लेकिन तब तो सुबह सुबह 7 बजे तक गरबा चलते थे एंड आई मिस दोज डेज और बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस। एक्चुअली आशा से मैं बहुत समझ गया, मैं बोलना ही भूल गई थी कि बॉम्बे में आके बेसिकली हमने डांडिया देखा है, जब हम, आई एम बेसिकली फ्रॉम देहरादून, सो वहाँ पे तो वहाँ हम लोग के लिए स्पेशल होता था कि हम लोग नौ देवी आ गई तो अष्टमी नौमी में हम लोग जाएंगे एंड कंजकी एंड ऑल दैट,
सो यहाँ आके वो यहाँ पे एक नया रूप देखा कि लास्ट में हम लोग जाएंगे और यू नो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो सब लोग मिलेंगे एंड यू नो प्लान बना के जाएंगे एंड डांस करेंगे एंड डांडिया एंड सो मच ऑफ ड्रेसअप एंड ऑल दैट सो इट्स अ फन. मैं जैसे कि उन्होंने बताया मैंने अभी अभी कहा था कि डांडिया और ये नवरात्रि सभी अटायर पहन के जाना डांस करना ये सब तो बॉम्बे में आके ही सीखा है हमने कि ये सब कुछ भी होता है अदरवाइज क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ तो वहाँ पे हम सिर्फ वो अष्टमी और नवमी का वेट करते थे कि सब बुलाएंगे कंच के जीवे की हमें पैसे मिलेंगे गिफ्ट मिलेंगे. आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं आप और जब से बॉम्बे में हूँ तब से ही आई थिंक हर साल परफॉर्म करने का मौका मिल ही जाता है और ये बट ये पहली बार है कि मैं एसोसिएट हुई हूँ एंड आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट. सब गुजराती ऑथेंटिक हम सब कर देंगे. हाँ दया बहन हमारी इंस्पिरेशन है. वहाँ पे ऐसा कुछ डांडिया से रिलेटेड ऐसा कुछ स्पेशल कभी होता नहीं है. हम तो बस डांस करते हैं जो भी गाना चल जाए डांसेस को क्या चाहिए सब तरह के डांस कर देते हैं. गाना यार आवाज अच्छी नहीं है. अरे व्हाट इज दिस इंडियन आइडल जूनियर कौन ना होस्ट कर रहा है भाई होस्ट करने का मतलब लट्ठे दी चादर. आप ही बोलो मेरे को तो नहीं आता लट्ठे दी चादर वादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आओ सामने आओ सामने रंग माहिया. थैंक यू.